बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंबर केशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप के खैरे से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे, आप लोगों की तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक हल करे, आमीन। आप भी आमीन कह दिया करें। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, ब्राइडल के मेकअप एंड ज्वेलरी डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत से। तो आई होप कि आप लोगों के तमाम के तमाम डिज़ाइन पसंद आएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हैं, ब्राइड्स के मेकअप डिज़ाइन हैं, और आप लोग ब्राइड्स के रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ देखेंगे कि किस तरह का आई मेकअप आप लोग ब्राइड्स के कर सकते हैं। डिफरेंट मेकअप है बिकॉज के डिफरेंट ब्राइड्स हैं, डिफरेंट उनका मेकअप किया गया है और डिफरेंट लोगों ने किया है। आप लोग देखेंगे कि कुछ काशी का मेकअप भी होगा और बहुत ही एक आप लोगों को ज़बरदस्त आइडिया मिलता है इससे कि ब्राइड्स को देखकर आप लोग के किस तरह से ब्राइड्स को आप लोग इजीली उनका मेकअप कर सकते हो। आई मेकअप का आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मिलता है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव आइडिया होता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ब्राइड्स में। और कुछ होते हैं जिनको आई मेकअप का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो यहाँ से देखकर वीडियोस देखकर आइडियाज़ देती हैं। कुछ पार्लर में गर्ल्स होती हैं या कुछ वैसे गर्ल्स मेकअप सीखती हैं, तो अच्छी बात है, वो आइडिया लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो वलीमा की ब्राइड दिखाई जाती है वो भी इतना ज़्यादा हैवी मेकअप में नहीं दिखाई जाती, बिकॉज के वलीमा का मेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल सा होता है और बारात का मेकअप हैवी मेकअप होता है। निकाह में भी कुछ खास मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेहंदी में भी अगर आप सिंपल रहें, ड्रेस अच्छा कैरी कर ले, सिंपल सा रहें, तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और मेहंदी के मेकअप का भी आपको आइडियाज़ दिए गए हैं। बाकी कुछ ब्राइड्स की चॉइस होती है, जिस टाइप की वो उसी टाइप का मेकअप चाहती हैं, तो आप लोग की बाकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये डिज़ाइनर मेकअप है, डिज़ाइनर आइडियाज़ हैं, तमाम की तमाम ब्राइडल डिज़ाइनर लोगों ने तैयार की हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं जिन्होंने तैयार की हैं ब्राइड्स, और बहुत ही प्यारे प्यारे से आपको आइडियाज़ दिए हैं। ज्वेलरी देख सकते हैं आप लोग, इससे देखकर आपको आइडिया होता है कि ज्वेलरी किस टाइप की होनी चाहिए, बिकॉज के जो ट्रेंडी और लेटेस्ट ज्वेलरी होती है उनका आपको आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है कि भी ऐसी ज्वेलरी हो तो इस तरह की ब्राइड लगेगी, ये आपको पहले ही दिखा दिया जाता है। तो आप खुद देख कर ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, बिकॉज के अगर आप ज्वेलरी का आइडिया ले लोगे, मेकअप का आइडिया ले लोगे, तो आपको आसानी होगी देखकर कहने में, भाई मेरा इस टाइप का लेंगे, मेरे को ऐसा तैयार कर दो। तो आपको इस टाइप के आपका मेकअप और इस टाइप का आप लोग जिस तरह का दिखाओगे, उस टाइप का अगर आपका मेकअप होगा तो आप डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। सो ज़रूर ट्राई करिएगा।